नमस्कार। सर्दियों में चेहरे पर निखार लाने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो, मिलेगा खूबसूरत लुक। रूखी और सूख त्वचा से निजात पाने के लिए आप दूध से भी त्वचा की मसाज कर सकते हैं। इससे स्किन में नमी बनी रहती है। उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही लोगों की त्वचा पर भी ठंडे मौसम का असर पड़ना शुरू हो गया है। सर्दियों में स्किन प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा आम है त्वचा का ड्राई हो जाना। ठंडी हवाओं और शुक्र मौसम के कारण स्किन रूखी होकर फटने लगती है। त्वचा ना सिर्फ ड्राई हो जाती है बल्कि बेजान और बेरंग भी दिखने लगती है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सर्दियों में मौसम में इन स्किन केयर टिप्स को अपनाकर आप अपनी त्वचा को ग्लोइंग बना सकते हैं। मॉइस्चराइजर, सर्दियों के मौसम में त्वचा पर मॉइस्चराइजर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन में नमी बनी रहती है। अगर आपकी त्वचा ज़्यादा सूख है तो आप विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल, नारियल तेल का त्वचा के लिए किसी रामबाण से भी कम नहीं है। यह त्वचा को हेल्दी बनाने के साथ ही रंगत को भी निखारता है। सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए नारियल के तेल को शरीर पर रगड़ लें। आप चाहें तो नहाने से थोड़ी देर पहले शरीर पर नारियल का तेल लगा लें, बाद में नहाएं। माइल्ड स्कर्ब, सर्दियों में डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए आप माइल्ड स्कर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। आप चाहें तो घर पर माइल्ड स्कर्ब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क मसाज, रूखी और सूख त्वचा से निजात पाने के लिए आप दूध से भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि दूध में नेचुरल तरीके से नमी बनाए रखता है। आप हल्के हाथों से त्वचा पर दूध से मसाज करें, बाद में गुनगुने पानी से स्किन को धो लें। आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी त्वचा पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे और जानेंगे, पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे वीडियो आपसे मिस ना हुआ करें। होठों से बचने के लिए, अगर आपके होठ सर्दियों में फटते हैं तो इसके बचने के लिए, सर्दियों के मौसम में होठों को फटने से बचाने के लिए आप नेचुरल लिप बाम या फिर पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।